खबर पीलीभीत जनपद से, जहां परीक्षाएं शुरू होते ही मंचलों के हौसले बुलंद हो गए हैं। ताजा मामला पीलीभीत के पूरनपुर से सामने आया है, जहां बहन बहनों के साथ महाविद्यालय में परीक्षा देने आई छात्रा से मंचले गेट पर छेड़छाड़ करने लगे। आरोपियों के चंगुल से छूटकर छात्रा कॉलेज में घुस गए। विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा की बहन के कपड़े फाड़ दिए। घटना को लेकर हाईवे पर राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना पर डायल 112 और कोतवाली पुलिस पहुंच गई। दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस कोतवाली लाई। आपको बता दें, सेहरा मोह थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती नगर के डिग्री कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा है। गुरुवार को अपनी बहन और बहनों के साथ परीक्षा देने आई थी। आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के गाँव बंजरिया का रहने वाला एक युवक अपने साथी के साथ छात्रा का पीछा करने लगा। जैसे छात्रा बाइक से कॉलेज जाने को उतरी, तभी मंचले ने उसका हाथ पकड़ लिया। घटना को लेकर मौके पर मौजूद उसके बहन और बहनोई आरोपियों को इस करतूत का विरोध करने लगे। परीक्षा का टाइम होने पर छात्रा भागकर कॉलेज में घुस गई। इसके बाद आरोपी ने छात्रा की बहन को दबोचकर उसके कपड़े फाड़ दिए। परिजनों के हाई वोल्टेज ड्रामा करने पर हाईवे पर राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर डायल 112 और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। युवक ने पुलिस को बताया, छात्रा से कुछ माह पहले उसका कोर्ट मैरिज हो चुका है, परिजन छात्रा पर उसके साथ न रहने का दबाव बना रहे। पुलिस सभी को लेकर कोतवाली पहुंची, वहीं मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी देव। कहाँ रहती हो? लक्ष्मी, क्या घटना हुई है आज? आज सर, हम यहाँ पे अपनी बहन का पेपर दिलवाने आया था। इस लड़का ने रोहित और वरुण ने हमें घेर कर मारा है। दोनों बहन को इसने हमें धमकी दी है, तुम्हें दोनों को जान से मार देंगे। लड़का कहाँ रहने वाला है? हमने जबरदस्ती अपना कोर्ट मैरिज करा के रखा है। लड़का कहाँ रहने वाला है? बंजरिया का। तुम्हारे साथ क्या करा उसने? उसने हमें पकड़ के खींचा, उसने मारने की धमकी दी है तमंचा के जोर से। फिर क्या हुआ? फिर उसने हमें तमंचा की जोर से मारने की, तो फिर यहाँ पे हम अपनी टूल के सामने आए, तो यहाँ पे बहुत लोग मिले, उन्हें हमें बचाया सब लोगों ने। तो तुम्हारी बहन पेपर देने आई थी? ठीक, हम पेपर दिलवाने आए थे बहन का। तो कुछ शिकायत की पुलिस से? जी। किससे शिकायत की आपने? पुलिस से। तो कोई आया है पुलिस यहाँ? जी। अच्छा, तो पुलिस ने किसी को पकड़ा है क्या? दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, हमारे गाँव का लड़का और बंजरिया का लड़का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिनाम। मतलब क्या घटना हुई आज यहाँ? सर, यहाँ पर घटना ये हुई है कि ये लड़की अपनी बहन के साथ एग्जाम दिलाने आई थी। सर, एग्जाम दिलाने आई थी तो सर एग्जाम, एक लड़का बहुत दिन से इस लड़की को परेशान कर रहा था। तो सर यहाँ पर, सर यहाँ पर जैसे ही वो एंट्री कर रही थी, तो ये बहन उसकी बड़ी है, तो इसने सोचा उसको एंट्री हो जाए तो एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तीन बजे से पहले आई थी। तो उसकी तो जैसे तैसे करके इसने एंट्री कराई, लेकिन उस लड़के ने उसने बढ़ा दिया, लेकिन उसने इसके संग में इसका कपड़ा पकड़ के आगे का जो था सर, इसके जो आगे के जो सर, जो उसने गलत जगह पे जो नहीं छूने चाहिए वो जगह छूकर इसको सर उसके जगह इसको रोका, इसके कपड़े फाड़ने लगा, कहीं उसको रोक उसको नहीं। फिर सर इसके संग गलत जगह पे उसने हाथ लगाया सर, और गलत बदतमीजी की। और सर थोड़े दिन पहले इसके संग वो गलत कर चुका है सर। इस लड़की तुम्हारी कौन है? लड़की हमारी कौन है? लड़की जो बदतमीजी की उसके, वो कौन है तुम्हारी? वो लड़की जो बदतमीजी कॉलेज में, अच्छा जी सर, कौन से कॉलेज का मामला है? दस डिग्री कॉलेज सर, दस डिग्री कॉलेज। कौन से कॉलेज में पढ़ती है लड़की? लड़की सर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा है।